हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योगिता सिंह, योर एसिस्टेंट टीचर। बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो कोरोना है वो दोबारा से ज़्यादा फैल गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है स्कूल की छुट्टी कर दी है। आपकी 5 अप्रैल तक थी, लेकिन अभी जो है वो एक्सटेंड हो गई है 11 अप्रैल तक। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि शायद अप्रैल मंथ जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जाएगा, जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे आपके स्कूल ओपन हो जाते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपसे आपकी जो है ऑफलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं होते हैं, आपके भी जो है ऑनलाइन वर्क जाएगा, ऑनलाइन आपकी स्टडी होगी और वीडियो आएंगे आपके पास में। तो जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आपको SST के बारे में ही बताऊँगी कि आपको इस SST की कौन सी बुक ख़रीदनी है। तो ये आपके बच्चों NCERT बुक हैं, जो हमेशा से यही चलती आई हैं, हिंदी वर्जन है इसका। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप पुरानी बुक भी ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई जानकारी में है पिछले साल का, तो आप उनसे पुरानी बुक भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं उनसे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये कहीं पे भी बुक स्टोर पे जो NCERT बुक आपको मिल जाएगी। वैसे हमारे आकाश बुक वाले हैं, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको इसमें बुक के बारे में बताऊँ। इसमें बुक में आप ये देखिए, हिस्ट्री का ये History 1 है, इसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। और ये हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। दो बुक हैं हिस्ट्री की, ठीक है। कितनी बुक हैं, दो बुक हैं। और ये है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में एक ही बुक है, और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये ज्योग्राफी है और ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नाम आता है हमारे अतीत, ठीक है। 3rd भाग 1, हमारे अतीत 3rd भाग 2, ठीक है। दो पार्ट है, पहले हम भाग 1 पढ़ेंगे, फिर हम भाग 2 पढ़ेंगे। और ये आपका फिर है ज्योग्राफी, और फिर आपका ये है पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास, और इस पॉलिटिकल साइंस का नाम क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अब हम इसकी विषय सूची देखते हैं। ये आपकी विषय सूची है, ठीक है। इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर दे रखे, जबकि इसमें टोटल 6 चैप्टर आते हैं। वो एक चैप्टर इसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें आपके कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, ठीक है। 5th के बाद एक 6th चैप्टर है, उसमें दिखाया दिया गया है। तो इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। तो मैं भी आपको मैं साथ ही साथ बताते चलती हूँ कि प्री मिड एग्ज़ाम में आपका कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो प्री मिड में आपका कौन से चैप्टर आएंगे, तो ये आएगा Chapter 1 और Chapter 2, कैसे कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये 2 चैप्टर आपके इस बार आएंगे, ठीक है, प्रीमिट में। अब हम बात करते हैं Part 2 की। Part 2 में भी आपको इसमें 5 चैप्टर दे रखे हैं, जबकि इसमें कितने चैप्टर है, इसमें जो 7 चैप्टर है, यहाँ पर एक और चैप्टर इंक्लूड होता है, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, वो चैप्टर इसमें शो नहीं हो रहा है। तो वो चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें भी टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, इसमें भी आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 6 उसमें है प्लस 6, तो ये आपके टोटल कितने हो गए, ये आपके पूरे टोटल हिस्ट्री में हो गए हैं 12 चैप्टर, ठीक है। तो ये तो आपके आगे सिलेबस में आएगा, आगे एग्ज़ाम में आएगा। तो फिलहाल तो अभी आपके कितने चैप्टर आने हैं हिस्ट्री में से, इसमें से आएंगे आपके 2 चैप्टर प्री मिड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में अब हम इसकी विषय सूची देखते हैं। तो इसमें आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर हैं इसमें 6, और 6 में से आपका सिर्फ 1 चैप्टर आएगा, वो है आपका संसाधन, जिसकी हम तैयारी करवाएंगे आपको, उसको स्टडी होगी, और यही चैप्टर आपका प्रीमिड में आएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका एक चैप्टर आना है भारतीय संविधान, कौन सा चैप्टर है, भारतीय संविधान, ये एक ही चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है टोटल आपके अगर हम बात करें तो कितने चैप्टर आएंगे, इसमें 2 चैप्टर आएगा, इसमें 1 चैप्टर आएगा, इसमें 1 चैप्टर आएगा। तो इक्वल आपके कितने हो गए, इक्वल आपके हो गए 4 चैप्टर, जो आपके इस बार प्री मिड में एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको ये पूरी बुक आपको बताई है कि ये कौन कौन सी बुक हैं जो आपके आएंगे। सिलेबस मैंने आपको फ़िलहाल प्री मिड का बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप बहुत ध्यान से जो भी वीडियो आपके पास आती है, ठीक है, वर्क आता है, अभी से आप इसमें बिल्कुल भी पेंडिंग ना रखें अपने वर्क को, ठीक है। डेली जैसे भी वीडियो आती है, आप डेली वीडियो देखें, उसे ध्यान से सुने, चैप्टर को बहुत ध्यान से समझें, अपनी बुक रीडिंग भी करें, प्लस जो भी आपका PDF वर्क आता है उसे साथ के साथ कॉपी पे काम करते रहें, क्योंकि जितना आप काम पेंडिंग छोड़ेंगे उतना काम आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको जो है बहुत ध्यान से अपने वीडियो को सुननी है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, और अपना काम अप टू डेट रखना है, ठीक है। साथ में लर्निंग वर्क भी करनी है, ठीक है। तो
आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करेंगे, ऑनलाइन स्टडी को बहुत ध्यान से समझेंगे, उसमें हमारे साथ आप कोऑपरेट भी करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको मैंने बुक के बारे में बताया है और थोड़ा सा स्टडी के बारे में बताया है, तो आप बहुत ध्यान से इस बात को मेरी समझेंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।